हेलो दोस्तों, देसी कौशल रिशो शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, इंग्लिश पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपके लिए लाए हैं एमपी टेट की जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो रही है उससे रिलेटेड एक टॉपिक। इंग्लिश में उसमें एक टॉपिक है हमारा नाउन का। तो आज हम बात करेंगे नाउन एंड इट्स काइंड्स ऑफ नाउन, दोनों की बात करेंगे यहाँ पर, काइंड्स ऑफ नाउन और कंप्लीट नाउन को हम आज जानेंगे कि नाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें नाउन की। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, सभी लोगों को याद होगी कि नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान का नाम एंड नेम ऑफ ए थिंग, और किसी चीज़ का नाम आपका नाउन कहलाता है। नाउन का मतलब है नेमिंग वर्ड्स, यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे आपके नाउन्स होते हैं। नेमिंग वर्ड का मतलब कि ऐसी चीज़ जिसका कोई एक पर्टिकुलर नाम हो वो आपका नाउन होगा। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, अशोका वाज ए वाइज किंग, अशोका वाज ए वाइज किंग। अब इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस सेंटेंस में दो नाउन यूज हुए हैं, अशोका एंड किंग। अशोका आपका क्या है, नाउन है, किंग भी नाउन है, वाइज आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ए क्या है आपका, ये डिटरमाइनर है, आर्टिकल ही बोलते हैं, एंड वाइज क्या है आपकी, ये आपकी वर्ब है। कमेंट करके ये बताइए कि ये वाज है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, जल्दी से, मैं उसका नाम अगली लाइव क्लास में जरूर लूँगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें अशोका। तो अशोका आपका कैसा नाउन है, ये कोई, सबसे पहली बात तो कोई एक पर्टिकुलर किन की बात हम कर रहे हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग, व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो आपका कैसा नाउन होता है, ये होता है प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है अशोक। तो अशोक आपका कैसा नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पर एक नाउन लिखा है किंग, किंग का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी किंग, यानी एज वेल एज अशोका के साथ साथ और भी राजा हैं सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये आपका कैसा नाउन है, ये है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्लास को। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि यदि हम ये कहें कि सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल, तो इस सेंटेंस में सीता कैसा क्या है आपका, प्रॉपर नाउन है, एंड गर्ल क्या है आपका, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट देखें कि इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री, तो इस सेंटेंस में भी दो नाउन है यूज हुए हैं, कौन कौन से, कंट्री आपका कॉमन नाउन है और इंडिया कैसा नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। चलिए अब काइंड्स ऑफ नाउन की हम यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना काइंड्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा था। तो कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन होगी वो होगी आपकी कि कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और सेम क्लास या काइंड, यानी कि वो चीज़ कॉमन होगी, यानी उसका नाम क्या होता है, कॉमन होता है किसी भी चीज़ में, तो वो आपका कॉमन नाउन होगा। जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपका किंग, कॉमन नाउन है, सिटी आपका कॉमन नाउन है, पेन आपका कॉमन नाउन है, बॉय ये भी आपका कॉमन नाउन है। तो यानी कि कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी पेन, कोई भी सिटी, कोई भी किंग। इसके बाद जो सेकेंड नाउन है वो है आपका प्रॉपर नाउन। तो ये जो प्रॉपर नाउन है ये मैंने अभी बताया कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु स्थान जो होता है ना उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कहने का मतलब है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या स्थान का जो नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं।
और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज कि जो प्रॉपर नाउन होता है ये स्टार्ट होता है किससे, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। हमेशा याद रखें कि जो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये देखने में ही समझ में आ रहा है कि कलेक्शन बता रहा है किसी चीज़ का, यानी कि जब कोई ऐसा नाउन जो ग्रुप को शो करता है वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि एक वर्ड है हमारा क्राउड, अब क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़। अब भीड़ किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, ठीक है, तो क्राउड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक नाउन आपका मोब, मोब मीन्स क्या होता है, इसका मतलब भी भीड़ होता है। नेक्स्ट है आपका टीम, तो टीम क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है फ्लॉक, फ्लॉक आपका क्या होता है, झुंड होता है, और फ्लॉक जो आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उसके ग्रुप को बोला जाता है, और जो ज़मीन पे जो जानवर वगैरह होते हैं उसके ग्रुप को बोलते हैं हम हर्ड। ठीक है, इसके आगे देखिए आप, नेक्स्ट है आर्मी, तो आर्मी आपका कैसा नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है जूरी, जूरी क्या होते हैं, पंच होते हैं, एक जो जज बैठते हैं इनका समूह होता है उसे जूरी बोलते हैं, तो जूरी भी आपका कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है फैमिली वर्ड है आपका, फैमिली कैसा नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है क्रोमेटी, क्रोमेटी भी आपका कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। इस तरह के बहुत सारे नाउन आपके कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, या किसी एक्शन को बताते हैं, या उसकी स्टेट को बताते हैं। ठीक है, इनको जो बताते हैं वर्ड वो कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी, तो क्वालिटी जैसे आपकी गुडनेस, अच्छाई जो होती है, गुडनेस, ये क्या हो रही है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ कैसे आप पहचानेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप सफेद से इसमें जो लगे होते हैं ना उनसे पहचान सकते हैं। सामान्यतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एन ई डबल एस सफेद लगा हो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, टी आई ओ एन लगा हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, इसके अलावा एम ई एन टी लगा हो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एच डबल ओ डी लगा हो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, आई टी वाई लगा हो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, एस आई ओ एन हो, एस आई ओ एन हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जिनसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, और आपका एक बाई है, बाई भी लगा देने से नाउन बन जाता है, तो इन आप सफेद से बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जिन वर्ड में ये सफेद से लगे होंगे वो आपका नाउन होगा। ठीक है, और कौन सा नाउन होता है, सिंपली वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्वालिटी की, तो हम कहें काइंडनेस, काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सबसे पहले तो यही पहचानना है ये नाउन है, किससे पहचान लेंगे आप, एन ई डबल एस लगाए तो इससे पहचान लेंगे। जैसे डार्कनेस, डार्कनेस एडजेक्टिव में ये एन ई डबल एस लगाने से नाउन बन रहा है, डार्क एडजेक्टिव है, एन ई डबल एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो नाउन बन जाएगा। ठीक, इसी तरह आपका एक एडजेक्टिव है हार्ड, और हार्ड में लगा देते हैं हम नाउन सफेद एन ई डबल एस, तो क्या हो जाएगा, ये नाउन हो गया हार्डनेस। इसके अलावा ब्राइट आपका एडजेक्टिव है, तो ब्राइट में हम लगा देते हैं एन ई डबल एस, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नाउन बन जाएगा। और कौन सा नाउन बनेगा आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह एक एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसमें हम लगा देते हैं बाई सफेद्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नाउन बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा देखिए एक एडजेक्टिव है वाइस, वाइस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान, और इसमें हम इसमें सफेद से लगा देते हैं हम डी ओ एम, तो वाइस में क्या हो जाएगा, विजडम बन जाएगा फिर ये। और ये भी याद कर लो, जिस वर्ड के अंत में डी ओ एम लगा हो ना, ये भी नाउन होता है, चाहे वो आपका किंगडम हो, किंगडम, ठीक है ना।
तो ये आप फिर क्या बनेंगे, नाउन बना देंगे। इसी तरह अब ये क्वालिटी हो गई। अब आते हैं एक्शन, एक्शन वाले वर्ड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इसमें कौन कौन से, जैसे आपका लाफ्टर है, लाफ्टर, लाफ्टर क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेप्ट है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा मूवमेंट है, मूवमेंट, तो मूवमेंट में क्या आता है सफेद MENT आता है। जजमेंट है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा आप तीसरा मैंने बताया था स्टेट, कि जो स्टेट वर्ड होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, नाउन होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एक बच्चे की स्टेट बता दूँ, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है, स्टेट है, इसमें सफेद कौन सा लगा है, हुड लगा है। तो जिस वर्ड के अंत में SWOD हुड आएगा ना, वो भी आपका नाउन ही होगा। ठीक, इसी तरह बॉय, बॉयहुड है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे यंग से यूथ होता है, यूथ क्या है, यूथ भी आपका, सॉरी, यूथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से आपका एक और वर्ड ले लेते हैं, पॉवर्टी, पॉवर्टी भी स्टेट है। तो ये सारे के सारे आपके नाउन बनेंगे, और कौन से नाउन बनेंगे दोस्तों, ये सब के सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई कैसे जाती है, हम इसका फॉर्मेशन भी यहीं पर आपको बता देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या बताना है, फॉर्मेशन कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, फ्रॉम एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से कैसे बनेंगे वो देखिए। तो जैसे आपका कोई वर्ड है काइंड, काइंड में आपने क्या लगाया, मैंने भी बताया था एडजेक्टिव है, इसमें आप NESS लगा दें तो क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, काइंडनेस, ठीक है ना। वर्ब से बनते हैं, जैसे वर्ब से आपका बन जाएगा, जैसे वर्ड ले लेते हैं ओबे, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब में आप ENC लगा के बना सकते हैं, ओबेंस हो जाता है, ओबेंस क्या हो गया आपका नाउन हो गया, ओबे आपकी हो गई वर्ब, ठीक। इसी तरह ग्रो है, ग्रो आपकी वर्ब है, ग्रो का क्या बनता है नाउन, TH लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाएगा, जैसे ग्रोथ, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरह कॉमन नाउन से भी बन जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कहीं कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हम बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कॉमन नाउन है चाइल्ड, चाइल्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, चाइल्ड का आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है चाइल्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो रहा, तो चाइल्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो रहा चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्ड में हुड सफिक्स लगाने से वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, ठीक। इसी तरह एक वर्ड है स्लेव, गुलामी बोलते हैं, ये आपका नाउन है, ठीक है। अब इसका हमें बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्लेवरी हो जाएगा। तो इस तरह से हम सामान्यतः अपने बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, इनमें आपको बताना है कि कौन इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं और किस तरह का नाउन है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं और कमेंट करके आप सभी लोग साथ में बताइए कि यहाँ पर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर एक वर्ड है, द क्राउड वाज वेरी बिग, द क्राउड वाज वेरी बिग। जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि यहाँ पर कितने नाउन है और किस तरह का नाउन है। तो यहाँ पर आपका एक ही नाउन है क्राउड, और क्राउड आपका किस तरह का नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा नाउन यूज किया गया है। तो इस सेंटेंस में एक नाउन यूज हुआ है ट्रुथ, और ट्रुथ आपका कैसा नाउन है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वी लव ऑनेस्टी, वी लव ऑनेस्टी,
तो इसमें जो नाउन यूज हुआ है वो यूज हुआ है यहाँ पर आपका ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी किस तरह का नाउन है ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। चलिए इसके अलावा और लेते हैं, हम नए नाउन ले लेते हैं। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। तो यहां पर बताने हैं कि कितने नाउन हैं और किस तरह के नाउन हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक है एलिफेंट और एक नाउन है स्ट्रेंथ। एलिफेंट आपका कैसा नाउन है? ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। और स्ट्रेंथ कैसा नाउन है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। तो यहां पर बताना है कि कितने नाउन यूज किए गए। तो इस सेंटेंस में आई आपका प्रोनाउन है, बिलीव आपकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, हिज आपका डिटरमाइनर है, एंड इनोसेंस आपका नाउन है। डिटरमाइनर के बाद आपके नाउन ही आते हैं, ये याद रखिए। तो यहाँ पर जो नाउन है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे पहचान सकते हैं? आप बहुत ही सिंपल तरह से पहचान सकते हैं कि जब किसी वर्ड के अंत में ई एन सी ई या ए एन सी सफिक्स लगा होता है वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। अब अगले नाउन में आपका आता है जेंडर, कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्लास दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा आपकी जेंडर की। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।